नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका MDM कॉलेज रायसीनगर 11 डीके के यूट्यूब चैनल MDM ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। मैं आपका दोस्त यादवेंद्र शर्मा, और अपने जो सिलेबस चल रहा था वो चल रहा है BSc फर्स्ट ईयर और BSc फाइनल ईयर के जो टॉपिक हैं उसको अपने डिस्कस कर रहे थे, और इससे पहले अपने जो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, और इसके अंदर अपने DNA और RNA के बारे में डिस्कस किया था, और RNA में अपने इसका जो फर्स्ट टाइप था mRNA उसके बारे में अपने डिस्कस कर ली थी कि mRNA क्या होता है, किस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर होती है, क्या वो काम करता है। इसके बारे में जो RNA होता है उसका सेकंड जो टाइप है उसके बारे में अपने आज अपने डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि वो क्या होता है, किस प्रकार से प्रेजेंट होता है, किस प्रकार से उसका बायोजेनेसिस होता है, और क्या उसके फंक्शन होते हैं, इन चीज़ों के बारे में अपने आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, हाथ में कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। ओके, अपना टॉपिक है RNA, या आप इसको कह सकते हैं राइबोसोमल RNA। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोसोमल RNA इसको कहा जाता है, या शॉर्ट में अपने इसको क्या बोलते हैं, RNA इसको कहा जाता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके जो फीचर्स होते हैं सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो इसका नंबर एक जो टॉपिक है वो इसमें क्या कहता है, या जो हेडिंग क्या कहती है, कि जो RNA यानी कि राइबोसोमल जो RNA होता है वो सबसे स्थाई टाइप का RNA होता है, या सबसे फिक्स टाइप का RNA होता है। ये क्या कहता है कि जो RNA है वो सबसे स्थायी होता है, या सबसे परमानेंट टाइप का। अगर RNA की बात करते हैं किस किस के अंदर, अपने tRNA की बात करें, या अपने mRNA की बात करें, या अपने RNA की बात करते हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा फिक्स RNA, या जो अपने कह सकते हैं कि परमानेंट जो RNA होता है वो कौन सा होता है, तो वो अपना होता है RNA सबसे स्थायी होता है, या सबसे परमानेंट होता है। उसके बाद में नंबर दो जो इसका पार्ट है वो, या दो इसका जो सब टॉपिक है वो क्या कहता है, कि यह RNA साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब अगर अपने बात करते हैं कि पोजीशन ऑफ RNA कहाँ होती है, तो इसकी पोजीशन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। अपने बात करते हैं कि मान लीजिए कि एक सेल है, इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, और ये अपने को पता है कि क्या होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर RNA क्या होता है, प्रेजेंट होता है, या यहाँ पर अपने को मिल सकता है। अब उसके बाद में नंबर तीन जो इसकी बात है वो क्या कहता है, तीन नंबर ये कहता है कि हालांकि इसका सिंथेसिस कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। अपने को पता है कि अपने बात की थी कि जो RNA है उसका निर्माण अपने कहा था कि किससे हो रहा है, DNA से हो रहा है, जो क्या था, एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में था। तो अपने बात की थी कि जो DNA होते हैं वो अपने को तो पता है क्रोमोजोम जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होता है, और न्यूक्लियस से अलग होकर इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उस दौरान क्या है, mRNA है, RNA है, इस पर tRNA जो है, इनका क्या होता है, सिंथेसिस होता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ये क्या कहता है कि इसका जो सिंथेसिस है वो कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन प्रेजेंट कहां रहता है, प्रेजेंट रहता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर। अपने को मिलेगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में आपको मिल जाएगा इसका, जैसे ही सिंथेसिस होगा, जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन होता है, न्यूक्लियर संगठन जो होता है उससे इसका निर्माण होता है, और यहाँ से निकल कर ये किस में आ जाता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है, जहाँ से ये राइबोसोम जो होते हैं उनके अंदर अपने को मिल जाता है। उसके बाद में ये क्या कहता है कि यह टोटल जो RNA होता है उसका कितना परसेंट बनाता है, 80% पार्ट बनाता है। अगर नंबर की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा RNA प्रेजेंट रहता है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट जो RNA होता है वो कौन सा होता है, RNA होता है। ये अगर अपने बात करते हैं तो कंपटीशन के लिए भी अपने लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या कैसे हो सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला RNA कौन सा होता है, तो आप क्या कहोगे कि जी RNA सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला
आरएनए होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या कहता है, नंबर चार पे नेक्स्ट कहता है कि राइबोसोमल आरएनए का अधिकांश भाग जो होता है वो राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। अब ये बात इंटरेस्टिंग है, ये क्या कहता है कि आरएनए का जो अधिकांश भाग है वो किस में प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम में प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम क्या है आपको पता होगा, राइबोसोम अगर अपने कहते हैं कि जो एक सेल होती है, सेल का सेल ऑर्गन राइबोसोम होता है। इसका अगर अपने निर्माण की बात करते हैं तो ये प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। अगर मैं कहूँ कि राइबोसोम का निर्माण किससे होता है तो राइबोसोम प्रोटीन प्लस आरएनए, या आप कह सकते हैं कि आर आरएनए भी आप कह सकते हो, इनसे मिलकर क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है जो सेल ऑर्गन होता है। इसका काम क्या होता है राइबोसोम का, इसका काम होता है कि सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की जो जिम्मेदारी होती है वो किसके पास में होती है, वो राइबोसोम के पास में होती है। नंबर ऑफ राइबोसोम की बात करते हैं सेल के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं सेल के अंदर। अब ये क्या कहता है कि राइबोसोम जो होता है उसके कुल वेट का 40-60% जो पार्ट होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, वो आरएनए के द्वारा बनाया जाता है। अपने यहां पर भी बात की थी कि राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, तो राइबोसोम प्रोटीन प्लस आरआरएनए से मिलकर बना होता है। और टोटल वेट की बात करते हैं कि राइबोसोम का टोटल जो वेट होता है उसका कितना, 40-60% पार्ट जो होता है वो आरआरएनए के द्वारा ही बनाया जाता है या आरआरएनए के द्वारा ही बनता है। ओके जी, उसके बाद में नंबर पांच जो इसका पॉइंट है, पांच नंबर पॉइंट क्या कहता है कि आरआरएनए सेलुलर आरएनए का मुख्य भाग बनाता है। अब जो आरआरएनए होता है ये क्या कहता है कि आरआरएनए जो सेलुलर आरएनए होता है, सेलुलर आरएनए का क्या है, ये मुख्य भाग बनाता है। और साइटोप्लाज्म में यह है ईआर की जो आउटर सरफेस होती है उसके ऊपर बिखरे हुए पाए जाते हैं। अब आती है कि ईआर क्या चीज़ है, तो ईआर भी क्या है, ये सेल ऑर्गन है। इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो जो आरआरएनए है वो क्या है, सेलुलर जो आरएनए है, कोशिकीय जो आरएनए है उसका मुख्य भाग बनाता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर, एक तो अपने बात की थी कि राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम के अलावा कहाँ पर होता है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है उस सरफेस के ऊपर भी ये बिखरे हुए पाए जाते हैं। और ये सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया होती है क्रिया में भी मुख्य रूप से भाग लेते हैं, या प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के अंदर भी जो आरआरएनए होता है वो हेल्पफुल होता है। जैसा कि अपने पहले भी बात की थी, अपने कहा था कि जो राइबोसोम होता है इसका काम क्या है, इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस करवाना होता है। और राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन प्लस आरआरएनए से मिलकर बना होता है। तो अपने कह सकते हैं ना कि जो आरआरएनए है ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है, या प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में क्या है, मुख्य रूप से ये भाग लेता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं कि टाइप ऑफ आरआरएनए, अब आरआरएनए की भी क्या है, दो सब टाइप होते हैं। अपने बात की थी कि आरएनए के कितने टाइप थे, तीन टाइप थे। कौन कौन सा आपने पढ़ गए हैं, एमआरएनए, आरआरएनए पढ़ रहे हैं, और इसके बाद में कौन सा आता है, टीआरएनए। तो तीन टाइप हैं। अगर मैं बात करूं कि जो आरआरएनए होता है, आरआरएनए जो है इसके अगर अपने टाइप की बात करते हैं तो ये कितने टाइप का होता है, तो ये दो टाइप का मेनली है। नंबर एक कौन सा होता है, अगर एक पर बात करते हैं कि यूकैरियोटिक की अगर बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में कितने टाइप का होता है, तो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम में जो राइबोसोमल आरएनए होता है मुख्य रूप से कितने टाइप का, तीन टाइप का होता है। अब देखिए टाइप की बात कैसे आई, अपने को पता है कि जो सेल जो है सेल कितने टाइप की होती है, अपने बात करते हैं कि सेल को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी, एक जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल।
अब प्रोकैरियोटिक और जो यूकैरियोटिक सेल होती है अगर उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो प्रो का मतलब क्या होता है, आदिम प्रकार की अपने कह सकते हैं कि प्री मेच्योर एक जो सेल है वो कौन सी है, प्रोकैरियोटिक होती है। और जो एक प्रकार से अपने कहते हैं कि फुल रूप से मेच्योर, यानी कि जिसके अंदर क्या है कि सभी जो सेल ऑर्गन है वो उसमें प्रजेंट है, वो या डिवलप जो सेल ऑर्गन है वो उसके अंदर प्रजेंट अगर है तो वो कौन सी होगी, यूकैरियोटिक। जैसे आपकी और मेरी जो सेल है, अपने जिसे भी हायर एनिमल जो देखते हैं उनके अंदर या जो डेवलप एनिमल जो है उनके अंदर जो सेल होती है वो कौन सी होती है, यूकैरियोटिक टाइप की सेल होती है। तो दो टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस ही नहीं होता है और सेल ऑर्गन जो होते हैं वो बहुत ही कम सेल ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, मुख्य जो सेल ऑर्गन होते हैं वो उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो दो टाइप की जो सेल है, अब सेल के टाइप अलग अलग हो गए, अपने को पता है कि जो राइबोसोम जो है या इसका जो काम फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। अपने बात की थी कि जो आरआरएनए होता है ये भी कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। अब एक वो सेल है तो उसको क्या है, उसके अंदर फंक्शन तो होंगे ही, यानी कि एक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, एक जीव हो गया, एक जीव के रूप में वो प्रेजेंट है, उसमें सारे के सारे काम तो जैसे श्वसन की बात करते हैं या फूड की बात करते हैं, जैसा भी उसका होगा वो क्या करेगा, उसको इंजेक्ट करेगा या ग्रहण करेगा, उसका पाचन करेगा, डाइजेशन करेगा, सभी प्रकार की। अब जो नई जो जीव होते हैं उसकी जो संति होती है, ऑफस्प्रिंग जो होती है उसको बढ़ाने का भी काम वो क्या है, करता है। तो वैसे ही क्या है कि टाइप ऑफ सेल की बात करते हैं तो दो टाइप है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि टाइप ऑफ आरएनए की बात करता हूँ तो नंबर एक जो कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल जो है, या आपने कह सकते हैं कि प्रीमैच्योर जो सेल है या आदिम जो सेल है उसकी अगर बात करता हूँ तो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम में राइबोसोमल जो आरएनए होते हैं वो मुख्य रूप से कितने टाइप के, तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप कौन कौन से हैं, पहला जो टाइप होता है वो है 28S टाइप, दूसरा होता है 18S टाइप और थर्ड होता है 5S टाइप। 28S, 18S और कौन सा है 5S, ये तीन टाइप होते हैं। अब देखो कोई भी, अब इस चीज़ को अगर मैं समझना है आगे, जैसे ये डायग्राम है इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि राइबोसोम जो है, क्योंकि ये राइबोसोम का टॉपिक नहीं है, राइबोसोम अपने बाद में सेल बायो की जब बुक करेंगे तो वहाँ पर अपने डिस्कस करेंगे। राइबोसोम जो है, राइबोसोम भी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। राइबोसोम कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, 70S और 80S टाइप का होता है, 70S और 80S टाइप का होता है। 70S जो टाइप होता है वो किसके अंदर होता है, वो होता है जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर, और 80S जो टाइप होता है वो किसके अंदर होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो होता है। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की, तो अब राइबोसोम मैंने कहा था 70S टाइप है, तो अब राइबोसोम जो है, राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम की अगर स्ट्रक्चर अपने पढ़े तो ये दो यूनिट से मिलकर बना होता है, एक होती है उसकी स्मॉल सब यूनिट और एक होती है लार्ज सब यूनिट। अगर मैं बात करूं कि राइबोसोम जो है वो कितनी यूनिट से, दो यूनिट से, एक जो इसकी होती है वो होती है स्मॉल सब यूनिट और दूसरी जो होती है वो लार्ज सब यूनिट होती है। भले ही वो 70S है, भले ही वो 80S है, वो दो यूनिट से मिलकर बना ही होता है, यानी कि स्मॉल सब यूनिट और लार्ज, ये दोनों सब यूनिट जो होती हैं, ये दोनों सब यूनिट उसके अंदर प्रेजेंट होती ही होती है अगर राइबोसोम की बात करते हैं। और जब कभी भी अपने राइबोसोम पढ़ेंगे तो आपकी ये चीज़ें और ज़्यादा समझ में आ जाएगी, अभी अपने को ध्यान में रखना है। ओके, अब इस पर आ जाते हैं। तो अब ये कहता है कि जो राइबोसोम है वो दो यूनिट से मिलकर बना होता है, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट। अब जो स्मॉल सब यूनिट होती है उसकी अगर बात करते हैं तो उसको अपने बोलते हैं 40S, और अगर जो लार्ज सब यूनिट है वो कौन सी है, वो 60S के रूप में होती है। जैसे ये 60S है और ये कौन सी है, 40S के रूप में यहाँ पर अपने प्रजेंट है। देखो ये 40S और ये कौन सी है, 60S। अब ये जो 40S है ये कौन सी है, स्मॉल यूनिट है, और जो 60S है ये कौन सी है, लार्ज सब यूनिट है। और दोनों जब साथ में आ जाती है तो ये क्या बन जाता है, एक है राइबोसोम, राइबोसोम का क्या हो गया, निर्माण हो जाता है। और
अब देखिए कि अब जो स्मॉल सब यूनिट है इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें 16 sRNA और 30 टाइप की क्या होती है प्रोटीन होती है, और उसके बाद में जो लार्ज सब यूनिट है उसमें 28 S और इसके बाद में अपन बात की थी 5 S और उसके बाद में 45 टाइप की जो प्रोटीन होती है उससे मिलकर क्या होता है निर्माण होता है। अगर आपको याद है तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि राइबोसोम का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन प्लस आरएनए से मिलकर बना होता है या आरआरएनए से मिलकर बना होता है। तो देखिए अब ये राइबोसोम की पूरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये के फुल स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम है, इसको यहाँ पे आधा आधा कर लिया है स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट के रूप में। अब स्मॉल यूनिट जो है उसके आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए 16 एस ये क्या है आरआरएनए है और ये 30 टाइप की क्या है इसमें प्रोटीन है। तो आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर क्या हो रहा है इस दोनों संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। इसमें कौन सी है, इसमें 16 एस है और इसमें क्या है 28 एस और 5.8 इसको बोलते हैं एस आरएनए भी कह सकते हैं या 5 एस आरएनए भी आप बोलते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये 5.8 क्या है जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है यूकैरियोटिक जो सेल होती है उन यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है ये प्रेजेंट रहता है। तो अब ये क्या है यूकैरियोटिक सेल है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है यानी कि जो क्या है वेल डेवलप है तो वो होगी। और अपने बात की थी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो देखिए तो अपने कहा था कि जो प्रोकैरियोटिक है वो 70S और जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो 80S, तो ये कौन सी है 80S टाइप की क्या है राइबोसोम होती है, जो कौन सी होती है जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर अपने आ जाते हैं इसके अंदर अपने बात करते हैं, देखिए तो अब 28S और जो 5S RRNA राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट होती है यानी कि जो 60S होती है उसमें प्रेजेंट होती है, जबकि 18S राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अभी अपने बात की थी, अभी अपने बात क्या की थी, अपने कहा था अभी अपने बात की थी अपने कहा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, और अपने कहा था कि जो यूकैरियोटिक है उसमें तीन टाइप के हो सकते हैं, अपने कहा था कौन कौन से, एक तो 28S, एक अपने कहा था 18S और एक अपने कहा था 5S, ये तीन टाइप अपने बताए थे किसके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर, और यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर राइबोसोम कैसा होता है 80S टाइप का होता है। तो अब ये क्या कहता है कि अब ये जो 28S और 5S और एक होगी 18S, और अपने बात की थी कि कोई भी जो राइबोसोम होता है राइबोसोम दो यूनिट से मिलकर बना होता है स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। तो अब ये जो लार्ज यूनिट सब यूनिट होती है किसके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर, तो लार्ज जो है वो होती है 60S और जो स्मॉल होती है वो 40S। तो अब जो स्मॉल सब यूनिट है उसका जो निर्माण है इसका निर्माण किससे होता है, स्मॉल सब यूनिट का होता है जो 18S राइबोसोम जो होते हैं इसके द्वारा, और जो लार्ज सब यूनिट होती है इसका निर्माण जो होता है वो 28S प्लस जो 5S होती है इन दोनों से मिलकर क्या होता है इसका निर्माण होता है। तो तीन टाइप के आरआरएनए किसके अंदर हो गए जो यूकैरियोटिक सेल होती है, कौन कौन सा 28, 18 और 5। 28 और जो 5 होती है वो किसके पार्ट है, वो है लार्ज सब यूनिट के, और जो 18S है वो किसका टाइप है, वो है स्मॉल सब यूनिट जो होती है उसका टाइप होता है। ओके, अब अपने बात करते हैं इसके बारे में जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल अपने कहा था कि आदिम प्रकार की प्रीमैच्योर, पी से प्रो हो गया और पी से अपने कह सकते हैं कि प्रीमैच्योर अपने कह सकते हैं यानी कि जो अनमैच्योर है। अब इसमें क्या विशेषता होती है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रत्येक राइबोसोम जो होता है वो आरआरएनए के केवल दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है प्रोकैरियोटिक में क्या है दो ही टाइप के क्या है आरआरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन से 23S और 16S टाइप के जो होते हैं। अब जो 16S जो होता है ये किसका है, ये स्मॉल सब यूनिट यानी कि 30S में प्रेजेंट होता है, और जो 23S जो होता है ये जो लार्ज सब यूनिट होती है यानी कि 50S जो होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जिस प्रकार अपने बात की थी लार्ज जो
या आपने कह सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल थी उसमें अपने बात की थी कि SCS टाइप का राइबोसोम स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट से मिलकर बना होता है। स्मॉल यूनिट जो होती है वो 18S से और जो लार्ज यूनिट होती है वो किस से 28S और 5S से मिलकर बनी होती है। ठीक उसी प्रकार अगर अपने प्रोकैरियोटिक में आ जाते हैं तो वहाँ पर जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, वो 70S टाइप का होता है। 70S टाइप का जो राइबोसोम होता है वो बैक्टीरियल राइबोसोम आर कॉल्ड 70S राइबोसोम। अभी क्या कहता है कि जो बैक्टीरियल राइबोसोम होते हैं इनकी जो बैक्टीरियल सेल है वो किस प्रकार की सेल है, वो प्रोकैरियोटिक सेल है और उसके अंदर जो राइबोसोम जो होते हैं इनकी जो बैक्टीरियल राइबोसोम है उसको अपने क्या कह सकते हैं कि 70S राइबोसोम अपने कह सकते हैं। द 70S राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट, यानी कि जिस प्रकार 80S राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ था उसी प्रकार 70S राइबोसोम जो होता है ये भी दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक होती है लार्ज सब यूनिट और दूसरी होती है स्मॉल सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट जो होती है ये क्या होती है 50S टाइप की होती है, ये क्या है 50S, और जो स्मॉल होती है वो 30S टाइप की होती है। अब जो लार्ज सब यूनिट है इसका जो निर्माण जो होता है वो किस किस से होता है, तो इसका निर्माण जो है वो 23S RRNA और 5S RRNA से मिलकर बना होता है, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है इसका जो निर्माण होता है वो 16S RRNA से मिलकर बना होता है। तो इसका निर्माण हो गया 16S और ये हो गई 23S और अपने कह सकते हैं कि 5S, ये किस में हो गया जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उनके अंदर इसका क्या होता है निर्माण होता है। ओके अब नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं इसके अंदर तो यहाँ पर आपको बात समझ में आई होगी कि जो प्रोकैरियोटिक है उसके अंदर अपने कह सकते हैं कि दो टाइप का 23S और 16S, और जो यूकैरियोटिक है उनके अंदर जो RRNA होता है वो कितने टाइप का होता है, वो तीन टाइप का होता है 28, 18 और 5, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके जी उसके बाद में नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है कि बायोजेनेसिस ऑफ RRNA, यानी कि जो RRNA होता है उसका बायोजेनेसिस कैसे होता है, उसका जनन कैसे होता है, या आपने कह सकते हैं कि उसका जो निर्माण होता है वो निर्माण किस प्रोसेस के द्वारा होता है। जैसे अपने पहले भी अपने बात की थी कि जो RRNA जो होते हैं या आपने कह सकते हैं कि जो राइबोसोमल जो RRNA होते हैं अपने कहा था कि इनका निर्माण कहाँ होता है, इनका निर्माण न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, और निर्माण होने के बाद में ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं सेल के अंदर आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये मिलते कहाँ हैं साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं कि, और आपने कहा था कि ये कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, एक तो ये राइबोसोम जो होता है उसके साथ में अटैच रहते हैं राइबोसोम के साथ मिलकर बना होता है, और दूसरा कहाँ पर होते हैं ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है वहां पर आपको क्या है ये मिल सकते हैं। अब अपने बात करते हैं बायोजेनेसिस ऑफ RRNA, तो अब जो RRNA है उसका निर्माण की बात करते हैं तो कहां होता है, ये कहता है कि जो यूकैरियोटिक सेल में RRNA का सिंथेसिस कहां होता है, न्यूक्लियस में होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि RRNA का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, तो उसका निर्माण कहाँ होता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है इसका निर्माण होता है। उसके बाद में क्या कहता है नोट में अपने को याद ध्यान में रखना है कि जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस से संबंधित DNA से RRNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है, और DNA का यह भाग क्या कहलाता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहलाता है या न्यूक्लियर संगठन कहलाता है, यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसने क्या कहा कि यूकैरियोटिक जो सेल है उसके अंदर इसका सिंथेसिस कहाँ होता है, ये कहता है कि उसका जो सिंथेसिस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, या जो केंद्रक जो होता है केंद्रक के अंदर क्या होगा इसका निर्माण होता है, ये बात यहां पर क्लियर होगी। उसके बाद में क्या कहता है कि जो न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस से संबंधित जो डीएनए होता है, अपने को पता है एक जो सेल है उसके अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या होता है न्यूक्लियोलस होता है। यहां पर क्या है अपने को पता है कि क्रोमेटिन रेटिकुलम जो होती है गुणसूत्र जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, और इसका कुछ जो भाग होता है अपने को पता है
कि जो न्यूक्लियोलस जो होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट है, तो मान लीजिए कि ये वाला भाग है ये यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब जो आरआरएनए का निर्माण जो है वो किससे होता है, तो न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस से संबंधित जो डीएनए होता है इनकी ये वाला जो भाग होता है इससे क्या होता है, जो आरआरएनए का निर्माण होता है या राइबोसोमल जो आरएनए होता है उसका निर्माण होता है, और जिस भाग से इसका निर्माण होता है डीएनए के जिस भाग से इसका निर्माण होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। उसको अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहा जाता है या न्यूक्लियर संगठन इसको अपने कह सकते हैं। इस बात का क्या है अपने को ध्यान में रखना है। और दोनों ही टाइप के जो आरआरएनए होते हैं वो 28S या 18S आरआरएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियर डीएनए के हाई मॉलिक्यूलर वेट वाली जो संरचना होती है उससे क्या होता है, इनका निर्माण होता है। तो इस बात का क्या है अपने को ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है, पसंद आई है, इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज आपने क्या पढ़ा है, आज अपने जो टॉपिक किया वो कौन सा है, वो है आरआरएनए या राइबोसोमल जो आरएनए होता है उसे राइबोसोमल आरएनए के बारे में अपने पढ़ा है, और इसका जो करेक्टर जो होते हैं उसके बारे में पढ़ा है। इसका फंक्शन अपने बात की थी कि प्रोटीन सिंथेसिस जो काम होता है उसके अंदर क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। उसके बाद में अपने बात की थी कि टाइप ऑफ आरएनए, तो अपने कहा था कि दो टाइप की सेल है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर ये दो टाइप का होता है, और यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर ये तीन टाइप का प्रेजेंट होता है। उसके बाद में बायोजेनेसिस की बात करते हैं, तो जो न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डीएनए जो किससे संबंधित होता है, न्यूक्लियोलस से संबंधित होता है या न्यूक्लियोलस से संबंधित होता है, और उसका जो भाग होता है जिससे इसका निर्माण होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने टीआरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे कि टीआरएनए क्या होता है, किस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर होती है, और टीआरएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपने इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।